जो लोग इस तरह की बात करते हैं हमारे को अपने से अलग समझते हैं। हमारे समाज से अपना कोई यूपी बिहार का बंदा इस बार नहीं खड़ा है। नहीं अलग अलग कोई नहीं है इस तरह भी आप अलग करिए हूँ कोई भी। हाँ ये कितने दे कितने दे टोटल जी सा लगभग बलौंगी कलोनी 16,000 वोट हैगी इस टाइम। तो गुरु की ये धरती है और ये बहुत मतलब पवित्र धरती है। तो यहाँ पे जो लोग भेदभाव करते हैं कि प्रवासी ते भैया लोग, तो इस तरह की बात हम सारे भाई हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। जिथे भी कोई जाएगा अगले ने उत्थे अपना वोट कार्ड या आधार कार्ड जो भी सब बनाउंदे ही बनाउंदे है बंदा। तो 95 से ही मेरा वोट है यहाँ पे पंजाब में। यहाँ राशन कार्ड सब यहीं का है, वोटर कार्ड यहीं का है, मेरा जरा आधार कार्ड है वो भी यहीं का है। 40-40 50-50 साल हो गए इत्थे ही रहिंदे नूं, हुण अग्गे इहनां दे बच्चे आ उह भी सारे इत्थे ही आ, सारे पंजाबी बोलदे ने। मैं पिछे गोरखपुर यूपी और बिहार के बॉर्डर पे कहता है कुशीनगर जगह वहाँ का हूँ। प्रवासी तो हुण किहदा होवे ना, जिवें अपने बाहरली किसी कंट्री तो आया उहदा आपां प्रवासी कहदे, हुण है उरे सारे अपने इंडिया दे ही ने। इंडिया वाले भारत वासी है, सारे एक ही देश के वासी हैं, तो इस प्रवासी वाला तो कोई है ही नहीं कोई। जो पंजाब की धरती है वो गुरुआ की धरती है और गुरु साहिबान सबके हैं। तो गुरु के बिना गति नहीं है किसी का भी। अगर सरदार जी हैं उनके सामने हम बीड़ी पियेंगे ये गलत बात है। आप तुमको पीना है अपनी सेहत अपनी जिंदगी, आज़ाद भारत है तो अलग जाके नदी में पी के आ जा। अगर कोई सिख भाई पगड़ी बांध के और दाढ़ी रख के नशा करता है तो ये धर्म के खिलाफ है। हमारी सारे सरपंच हमारे अपने ही हैं। इस बार हम पिछली बार सर हमने अपना सरपंच खड़ा किया था सरोजा देवी और वो जोरदार वोटों से जीती और काम भी हुआ। वोटा होन भावें मैंबर ऑफ पार्लीमेंट दियाँ भावें MLA दियाँ भावें सरपंची की वोट होवे, पंजाब दे विच सरपंची दियाँ वोटां ने सब दा साथ चाहिदा हुंदा है। तो साथ भी किस कदर चाहिए होंगे। एक असी बलौंगी दे मौत वाले दे नाल गलबात करांगे जो इत्थे पहुँचे हुए ने BDPO दे दफ्तर दे विच, जिथे के नामजदगी पत्र भरे जाणगे। पत्र दे विच की कुछ जिहड़ा है दाखिल किया जाएगा, दसा जाएगा किन्नियां वोटां ने। तो बई जी होरी ने सबका सरपंच ने, तो इन्हां दे नाल गलबात करांगे। तो सारिआं दे नाल तुहाडे तों शुरू करदे आं, तुहाडा नाम की है, कित्थों दे सरपंच सीगे तुसीं ते अज इत्थे पहुँचे हुए हो, तो थोड़ा इस बारे दस्सिओ। मेरा नाम मक्खन सिंह, सबका सरपंच पिंड बलौंगी कलोनी तो। अज फिर मतलब अपने जी सरपंची जी फाइल जमा करने आए हुए हैं। अच्छा फाइल जमा करने, आसा की गल चल रही थी थोड़े दे विच, कहिंदे प्रेम प्यार बड़ा है, तुसी इन्हां कोल भी जाने आशीर्वाद लैण, है ना? बिल्कुल। ये कौन ने पहला इन्हां बारे दस्सिओ, असीं इन्हां नाल गलबात। अपने बलौंगी दे ही है पंडित जी ने, बिरगुनाथ गिरी शिवसेना के प्रधान ने। तो साडा आपसी बहुत प्रेम प्यार आ, मतलब किसी भी पार्टी नाल कोई भी संबंधित रहे उहदा नहीं है, लेकिन सब तो पहला अपना जिहड़ा भाईचारा है वह जरूरी हैगा। इस करके साडा इन्हां नाल बहुत प्रेम प्यार है। सर मैं बलौंगी से BN गिरी, मेरा नाम है भृगुनाथ गिरी, पूरा नाम है भृगुनाथ जी। तो मैं शिवसेना हिंदुस्तान का जिला प्रधान हूँ अभी फिलहाल। तो धार्मिक संगठन से जुड़ के मैं धर्म की ज़्यादा सेवा करता हूँ। सो आप पंडित जी हो? हाँ जी हाँ जी। तो ये मक्खन सिंह जी साहब का सरपंच रहे ने, तो बड़ा प्रेम प्यार हैगा लोगों के बीच, मेरे नाल भी इनका है। आशीर्वाद लेने मेरे को अभी इन्होंने मेरी पैरी हाथ लगाया, मैं इनको आशीर्वाद दिया, लेकिन आशीर्वाद मेरा पूरा है। और जो जो जिसके भाग्य में लिखा है ताज सजना या सरपंच बनना, वो परमेश्वर परमात्मा ने पहले लिखी होनी है। तो अभी इस इलेक्शन के बाद जिसके भाग में होगा वो ताज उसको सज जाएगा। तुसी की भविष्यवाणी में कर रहे हो इन्हां दी? क्योंकि एक हुंदा है कि जदों भी कहिंदे वोटां हुंदियां ने, भावें उह किसे भी तरह की वोट होवे, MLA दी होवे, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट दी होवे, भावें सरपंची दी होवे, कहिंदे बाबिआं दे कोल डेरिआं दे उत्ते जांदे ने लोक। इह तुहाडे कोल आए ने एक सरदार ने, इहनूं किवें देखदे हो ते की आशीर्वाद दित्ता, भविष्यवाणी की है? देखो जी, हमारे रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जसकिन तीस फल चाखा। आशीर्वाद तो दीर्घ आयु के लिए मेरा है कि इनको भगवान तंदुरुस्त रखें। पॉलिटिकल आशीर्वाद तो फिर कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। जनता के साथ अगर आपका व्यवहार अच्छा है, जनता अगर आपको प्रेम करती है, तो आपको बनने से कोई रोक नहीं सकता। गिरी जी, तो आड़े पीछे कितनी वोट है? मेरे पास 150 के करीब, मेरे रिश्तेदारों का, मेरा, अपने बच्चों का, घरवाले का,
और मेरे जो बहुत जो मुझसे प्यार करते हैं लोग, जो अपने धर्म से प्यार करते हैं, उनका वोट है। ये वोट तो ठीक कदों तो बनी है इतने, कितने टाइम तो तुसी इतने रहे? मेरे को सन 80 में आया था मैं, तो ये 88 में मैं गुरु दीक्षा ली पंजाब के धरती पे, तो मेरा वोट बन गया था कोई 95 वगैरह में, तो 95 से ही मेरा वोट है यहाँ पे पंजाब में। यहाँ राशन कार्ड सब यहीं का है, वोटर कार्ड यहीं का है, मेरा जरा आधार कार्ड है वो भी यहीं का है। तो हम ज़्यादा करके धार्मिक लोग हैं, धर्म की सेवा करते हैं हमारे लिए, चाहे वो सिख भाईचारा है, चाहे कोई बौद्धी है, चाहे जैनी है। मैं पीछे गोरखपुर यूपी और बिहार के बॉर्डर पे आता है कुशीनगर जगह, वहाँ का हूँ। कैंडिडेट कौन? नहीं, पिछली बार हमने जिताया था अपने कैंडिडेट सरोजा देवी को, और पिंड के विकास के लिए सो उन्होंने बहुत विकास किया। सरोजा देवी यूपी के हैं, वो मतलब एक सागर जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं, उनके पति इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फैक्ट्रियाँ हैं। सरपंच साहब तुम भी अगे आ जाओ। एक सवाल बड़ा रहिंदा है, लोग आले दुआले के पिंड बड़े करते हैं, कहते जिहड़े पहला सरपंच सीगे उन्होंने प्रवासियों को पिंड इत्थे वोटां बना के दे दित्तियां, पक्के कर दिता, प्रवासी इत्थे सरपंची लड़ रहे हैं, MLA बन रहे हैं, कोई कोई की कर रहे हैं, एवं दियां ने, ये तुहाडियां गलतियां कीतियां होईयां ने जां की चक्कर है वी इह प्रवासी प्रवासी दा शब्दां दा? ये जिहड़ा प्रवासी का ये हूँ अज दे नहीं रह रहे, इन्हों जो 40-40 50-50 साल हो गए इतें ही रेंदे नूं, हुण अगे इन्हां दे बच्चे आ उह भी सारे इत्थे ही आ, हुण सारे पंजाबी बोलदे ने। हुण प्रवासी का हुण किहदा होवे ना, जिवें अपने बाहरली किसे कंट्री तों आया उहदा आपां प्रवासी कहदे, हुण है उरे सारे अपने इंडिया दे ही ने, इंडिया वाले भारत वासी है, सारे एको ही देश दे वासी आ, ते इस च प्रवासी वाला तो कोई है ही नहीं। कोई तुहाडे आले दुआले दे जिन्ने पिंड ने तुसीं जिहड़े बलौंगी दे नेड़े तेड़े 4-5 जां वड्डे पिंड ने ना, दाऊ साहब हैगा, बल्लों माजरा है, जां होर पिंड ने, वो कहंदे ने कि इन्हां ने सारी जिहड़ी वागडोर सीगी प्रवासियों के हाथ से दे दित्ती, जिहड़े सरपंच पहलां सीगे उन्होंने सारियां गलतियां कीतियां होईयां, उन्होंने हाथ से वागडोर देती। कहंदे इस तरह की तो कोई गल नहीं है, देखो जिहड़ा भी कोई मेहनत करेगा, कोई कम करेगा, चाहे कोई भी होवे, चाहे अपना उरे दा होवे जां बाहर दा किते दा होवे, जिहड़ा कम करेगा पब्लिक नाल नैचुरली लगेगी लगेगी, इस तरह का कोई नहीं भी। हाँ वो तो बाहर इस तरह ना सारी मिक्स है, मतलब कोई इस तरह नहीं, अलग अलग नहीं, 5 साल सरपंची भोगी है, कोई माड़ा मोटा तो हुए नहीं, अलग अलग कोई नहीं है, इस तरह भी आप अलग करिए हूँ कोई भी, हाँ ये कितने दे कितने दे, टोटल जी सा लगभग बलौंगी कलोनी 16,000 वोट हैगी इस टाइम। तो तुम इन्हों के नाल पहुँचे हो जिहड़े पंडित जी ने, तुम इन्हों का आशीर्वाद लैन लिए नाल लैके आयो, जो कैंडीडेट आ उसनों आशीर्वाद देने लैके आयो, कि आसा थोड़ी इन्हों के उत्ते भी ये थोड़ी जी कुर्सी छेती कढ़ा सकते? नहीं, मतलब कुर्सी कढ़ाने का परमात्मा के हाथ आ जा अपनी जनता के हाथ आ, साडा भाईचारा है, सीगा प्रेम प्यार है आपस, तो प्रेम प्यार जब आप कोई भी है किसी तो भी हूँ बड़े आप सत्कार करते ही हैं सारे, तो अगे वो आशीर्वाद देंदे ही ने। आसा इन्हों आसा सा आपसी भाईचारा जुड़े हुए एक दूजे नाल असीं। अच्छा ये जिहड़ियां सारियां तस्वीरां ने बलौंगी दियां मैंने जिवें भी खड़े हुए ने, एक एवं की तस्वीर आँदी है कि जिहड़ा उत्थे NOC जारी हुई ने, वोटां बनिया ने, बड़ियां चीज़ां बनिया हुई ने, वह जिवें तुसीं हो होर सरपंच सीगे, वह कहिंदे वी जाण बुझ के अपनी वोट बैंक तैयार करन दे वास्ते इन्हां ने कीता सारा? नहीं, इस तरह का कोई नहीं, जिस तरह का हुण कोई भी आएगा जिथे भी कोई जाएगा अगले ने उत्थे अपना वोट कार्ड या आधार कार्ड जो भी सब बनाउंदे ही बनाउंदे है बंदा, ये कोई स्पैशल नहीं है, जो कोई बंदा कितने होर रह रहा तो उरे कोई वोट बना लेगा, इस तरह का कुछ नहीं है। अच्छा आप बताओ कि अभी इन्होंने भी करते हैं गल, जिस तरीके यह तस्वीर ने कि पंजाब प्रवासी भारी पै रहे हैं, तुम कह रहे हो कि मैं इन्ने सालों तो रह रहा, एक कानून भी है कहते इस आधार के उत्ते पंजाब कोई बाहर तो आके जमीन नहीं लै सकता, होर थावों के उत्ते भी इस तरीके हों, हिमाचल कहते कोई चल जाओ, एवं का रौला बड़ा पिया हो, तुहानू किन किवें पॉसीबल होया सी इत्थे लैणा, थोड़ा इस बारे दसण दी कोशिश करो, जदों तुसीं इत्थे आए जमीन लत्ती। देखो जी, जो सरकार है यहाँ पे आज तक जो भी सरदार प्रकाश सिंह जी बादल रहे 25 साल राज किया, कांग्रेस के लोग भी यहाँ पे राज किए, तो जो भी सरकार आई प्रवासियों बारे सब ने हेल्प ही किया। सन 88 च, हाँ 88 च, हाँ जी उस टाइम कोई इस तरह का, अब कुछ चंद लोग हैं जो ये ना हमारे को अलग समझते हैं, जबकि जो पंजाब की धरती है वो गुरुआ की धरती है और गुरु साहिबान सबके हैं, तो गुरु के बिना गति नहीं है किसी का भी। हम पंजाब के यूपी बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन अपने गुरु परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज को बनाया यहाँ पे जो पंजाब के हैं, तो गुरु की ये धरती है और ये बहुत मतलब पवित्र धरती है,
तो यहाँ पे जो लोग भेदभाव करते हैं कि प्रवासी ते भैया लोग, तो इस तरह की बात हम सारे भाई हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हम एक कहते कि आन कई सवाल इस तरीके जगतपुरा पिंड है मोहाली का, उत्थे भी इस तरीके कहते आन इतने काम करन, कोई गल नहीं रेंट ते रहन, पर इतने जमीन ना खरीदन, कहते इतने आधार कार्ड ना बनन, इतों के वोटर कार्ड जो वोटा ना बना, चीज़ा कह रहे हैं। ये ना पॉसिबल नहीं है जो ये कह रहे हैं ना, ये पॉसिबल नहीं है। किवें पॉसिबल? हाँ, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि पंजाब के भी मेरे सिख भाई जो है यूपी चे रह रहे हैं, बिहार चे रह रहे हैं, हर कंट्री में हर देश के लोग, हर मतलब सूबा के लोग रहते हैं। तो ये इस तरह की बात अगर करेंगे, इसको मैं नहीं समझता कि सरकार इसको मतलब लागू करेगी। कहते असी गंद नहीं पाते, रात भी असं कर रहे थे गल, कई उत्थे पिंड वाले कह रहे थे, कहते असी गंद नहीं पाते कहीं जाके, ये गंद पाते हैं। कहते देखो उनका अपना सोच है, हम उनको समझाएंगे, जो लोग ऐसा गंद पाते हैं उनको समझाएंगे, हम अपने धर्म गुरुओं से बोलेंगे कि इनको शिक्षा दो कि इनको डिस्टर्ब ना हो, जैसे जर्दा बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, तो जिसको पीना खाना है वो एक अलग जाके अपना सिस्टम से कहीं करे, मतलब अज्ञात जगह में जहाँ किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन पॉइंट सीगा मेरा कि कहते गुरुद्वारा होंगे सामने बीड़ी पी रहा होंगे, जर्दा खा रहा होंगे, गुटका खा रहा होंगे, जो कि धार्मिक स्थान के नेड़े कितने भी नहीं, भावें मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कितने भी लाओ नहीं है, पर वो उत्थे खा रहे होंगे, लख समझा लो उत्थे रात में दारू पीते होंगे। ये देखो जी, मैं आपको अभी बहुत जोरदार आवाज़ में कह रहा हूँ, इसकी कमी है हमारे धर्म गुरुओं की। अगर धर्म गुरु इस तरह की शिक्षा दें और हमारे अपने लोग जो धर्म को मानने वाले हैं वो आगे होकर इन पर बैन करें तो ये बहुत बेहतर होगा। ये समाज के मतलब ढील देने से, धर्म गुरुओं के ढील देने से ऐसा हो रहा है। इनको अपने धर्म के प्रति सत्कार नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म है। अगर कोई सिख भाई पगड़ी बांध के और दाढ़ी रख के नशा करता है तो ये धर्म के खिलाफ है, तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। कहते कर देंगे कार्रवाई, सिख तो छड़ते नहीं, कहते भी तू इस तरीके नहीं करता, पर इधरों कहते ज़्यादा। ये बिल्कुल, देखो मैं इसके लिए ये नहीं कहूँगा कि ये स्वतंत्र है, लेकिन किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। अगर सरदार जी हैं उनके सामने हम बीड़ी पियेंगे, ये गलत बात है। आप तुमको पीना है, अपनी सेहत है, अपनी ज़िंदगी, आज़ाद भारत है, तो अलग जाके नदी में पी के आ जा। तो इस तरह के व्यवधान होना चाहिए, तो हर पासे धर्म गुरुओं को आगे आके इस पर कंट्रोल करना चाहिए। बलौंगी दा सरपंच कौन बनेगा, तुहाडा बनेगा या फिर पंजाबियों दा बनेगा? देखो जी, हमारा हमारी सारे सरपंच हमारे अपने ही हैं। नहीं एक बताओ, सारे अपने तो होते हैं पर अपने काम नहीं होंगे, तुहाडा बनेगा या पंजाबियों दा बनेगा? जोर देखो जी बहुत है इस बार। हम पिछली बार सर हमने अपना सरपंच खड़ा किया था सरोजा देवी, और वो जोरदार वोटों से जीती और काम भी हुआ। अब हमने सोचा कि अब इनको मौका दो, पंजाबियों मौका दो। देखो हमारे दिल में ये चीज़ है, तो हमने कहा इनको मौका दो, ये कितना काम करते हैं, अगर ये नहीं सही ढंग से काम करेंगे फिर हम अपना अगले बार बनाएंगे। केड़ा कैंडिडेट की नाम है जिन्होंने खड़ा किया तुसी जीते विश्वास? मैं कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, हमारे समाज पंजाबी 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 सारे अपने हैं, सारे मैनू नमस्कार करते हैं। मैं सारियां नूं कहंदा भाई जियां नूं तुसी मतलब फॉलो फॉलो वधिया काम करो पिंड वास्ते। एक के लिए पर्सनली किसी को तो हम धर्म फिर धार्मिक नहीं रहे ना, तो धर्म को देखते हुए बड़ा कुछ आशीर्वाद सारे के लिए है, ठीक है ना। वन साइडेड कोई गल नहीं है। अगर कोई भी सरदार जी हमारे, जैसे वीर प्रताप बाबा हैं, मनीष कुमार जी हैं, ये अपना मक्खन सिंह जी जो अभी बात कर रहे थे, तो इनको मौका दिया गया है। प्रवासी समाज जो आप लोग प्रवासी कहते हैं, प्रवासी तो कहना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन जो लोग इस तरह की बात करते हैं, हमारे को अपने से अलग समझते हैं, हमारे समाज से अपना कोई यूपी बिहार का बंदा इस बार नहीं खड़ा है। पिछली बार हम खड़े थे और जोरदार वोटों से लोगों ने सम्मान दिया और पंचायत सरपंच हमारा बना, जिनका नाम सरोजा देवी था। ठीक तो असी गलबात कर रहे थे सरपंच दी वोटां नूं लैके, जिस तरीके दे नाल पंजाब दे विच माहौल है, तो इस बार कहिंदे जिहड़ा पंजाबी सरपंच नूं असी पहल दित्ती गई है कि पंजाबी जिहड़ा बंदा खड़े वो जिते वो काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो अगली बार बदल देवे। पिछली बार साडा बंदा सीगा वो जितया, काफ़ी वोटा पर आने दिन की तस्वीर होंगी है भी देखना आएगा।